हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंजीनियर एस डॉट के खान पर। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ फ्रेशर इंजीनियर के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो है। उन्हीं के लिए लेकर आया हूँ जो फर्स्ट टाइम या साइट पर या जॉब के लिए जो फ्रेशर इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। उसमें बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज, जो बेसिक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनकी, उस टॉपिक पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें 15 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं उन सब 15 पॉइंट पे मैं बात करूंगा। ओके, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं। पहला मैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग। सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग 3.15 मीटर, जो सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग होती है उनमें जो मिनिमम जो हाइट होती है 3.15 मीटर लेते हैं। What is the volume of one bag cement? One bag cement का volume कितना होता है 0.035 cubic meter, और cubic feet में अगर है तो 1.23 cubic feet होता है। What is the initial and final setting time of cement? इनिशियल जो सीमेंट का और फाइनल सेटिंग जो टाइम होता है सीमेंट का, वो इनिशियल 30 मिनट होता है, फाइनल जो होता है 10 आवर्स होता है। ओके, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर्स ऑफ बार्स फॉर अ रेक्टेंगुलर कॉलम। जो रेक्टेंगुलर कॉलम होते हैं उनमें जो मिनिमम ऑफ बार होते हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, इनमें जो मिनिमम बार ऑफ जो स्टील बार होते हैं वो 4 मिनिमम, कम से कम 4 होने चाहिए। अगर हमारा सर्कुलर है कॉलम है तो उसमें मिनिमम 6 होने चाहिए। ओके, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। जो कॉन्क्रीट क्यूब होता है, जो इस जो क्यूब है जिसपे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, उसका जो क्यूब का जो साइज़ होता है 150 × 150 × 150 mm होता है। सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो 15 cm × 15 cm × 15 cm होता है। हाउ मच लेयर नीड टू फिल अ कॉन्क्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग। कॉन्क्रीट क्यूब को हम जो फिल करते हैं वो 3 लेयर में फिल करते हैं। हर लेयर में हम जो टैम्परिंग है वो 35 बार करते हैं, अगर 25 से 35 बार्स करते हैं हर लेयर में। एवरी लेयर में हम टैम्परिंग करते हैं। जो टैम्परिंग रॉड होती है जिसकी साइज़ होती है वो आपकी 600 होती है, और डाया जो होता है वो 16 mm का डाया होता है। सातवां क्वेश्चन है, हाउ मच लेयर नीड्स टू फिल अ स्लम फॉर स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट में जो हमारा स्लम टेस्ट होता है उसमें जो आपकी जो फिलिंग करने की जो लेयर कितने लेयर में हम फिल करते हैं, उसमें 4 लेयर में फिल करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूज़ ऑफ सीमेंट। What is the validity use of cement? जो यूज़ करते हैं वो 3 month for manufacturing की validity होती है, उसके बाद ये सीमेंट expire हो जाती है, जो काम लायक नहीं होती है। What is the minimum curing period of cement? In a normal weather में जो हमारी जो curing का time होता है वो 7 days होता है, for dry और hot weather में 10 days हम curing करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप एक रबर ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रबर ले लीजिए, रबर को आपने मोड़ दिया, उसके बाद आप जो छोड़ेंगे वो फिर आपको उसी शेप में हो जाता है। लेकिन व्हाट इज़ द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इज़ द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील ले लीजिए, स्टील को अगर आप बेंड कर दिए तो वो ऑटोमेटिक अपने शेप में नहीं जाता है। ओके, What is the formula for tensile strength of concrete? Concrete का tensile strength का formula होता है 0.7 and root 1 FCK. Which grade of concrete are called ordinary concrete? Ordinary जो concrete होती है वो कितने grade से कितने grade के बीच में होती है, M10 to M20 के बीच में होती है। Which grade of concrete are called standard? जो concrete होती है वो M25 to M35 के बीच में जो concrete होती है वो standard concrete कहलाती है। Okay, which grade of concrete are called high strength concrete? जो high strength की concrete होती है वो M60 to M80 के grade की जो concrete होती है वो high strength concrete कहलाती है।
आई होप आज के लिए आपको 15 क्वेश्चंस से, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रेशर इंजीनियर है जो साइट पर जाते हैं उनसे ये जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको ये चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको पता ही होनी चाहिए कि आप साइट पर जाने से पहले ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। एक साइट पर जो इंटरव्यू होता है फ्रेशर इंजीनियर से, ज़्यादा कुछ स्टील के बारे में या क्यूब के बारे में या कॉन्क्रीट के बारे में ड्राइंग के बारे में नहीं पूछा जाता, वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही सब पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ अगर आप चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। थैंक यू।